है ना एकदम मैजिक लैंड जैसा। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब मीट एट ग्लोबल विलेज दुबई टू शेयर देयर कल्चर। वील टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस ड्रीम ऑफ अ प्लेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Global Village is like a big cultural fair which is held every year from October to April in Dubai. It's like a global cultural fest. यहाँ पे एक ही जगह पे आप दुनिया के सारे कंट्रीज का कल्चर देख सकते हो, उनका एंटरटेनमेंट देख सकते हो, उनका खाना खा सकते हो, उनके कपड़े फेमस जो है टेक्सटाइल्स वो खरीद सकते हो। ग्लोबल विलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। How to reach there, how to navigate inside, timings and everything you need to know. So I would suggest आप जाने से पहले एक बार इसका वेबसाइट जरूर चेक कर लेना। Global Village पहुंचने के लिए you need to reach the nearest metro station which is the Mall of Emirates metro station. वहां पे उतर के आप एक कैब कर लीजिए directly which will take you to Global Village. यहाँ पहुँच के एंट्रेंस पे टिकट काउंटर है। यहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाएंगी 20 दिरहम्स की विच इज अप्रॉक्सिमेटली 400 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पे घूमते हुए हमें सच में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मैजिक लैंड है। बचपन की किसी वंडरलैंड स्टोरी बुक से कम नहीं थी ये जगह। कोई शॉप यहाँ पे कोलोसियम जैसा बना हुआ था तो कोई काउंटर यहाँ पे पेरिस के आईफिल टावर जैसा बना हुआ था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। सारे शॉप्स और काउंटर्स कैफेज वगैरह के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर वर्ल्ड नोन हेरिटेज साइट्स के जैसे बने हुए थे। ये जगह पूरे ग्लोबल विलेज का एक सेंटर पॉइंट है और ये यहाँ पे इसको फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं। ये सारे बोट्स पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे पवेलियंस में अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं था इसलिए हम आपको सारी पवेलियंस अंदर से नहीं दिखा पा रहे हैं। बट अभी बहुत सारे आएंगे जहाँ पे अंदर भी दिखा पाएंगे। बट इन छोटे छोटे क्लिप से आपको पता तो चल ही रहा होगा कि अंदर क्या है। ये पेविलियन स्पेशली हमें बहुत पसंद आया। इसका इंटीरियर डिटेलिंग और कारपेट्स ईरान का कल्चर बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। ये फेमस ड्रैगन देखते ही पता लग गया होगा आपको कि हम चाइना पहुंच गए हैं। सारे पवेलियंस में ऑलमोस्ट उनके ट्रेडिशनल अटायर में जो उनके कंट्री का ट्रेडिशनल डांस या परफॉर्मेंस होता है जो उनकी कल्चर को शोकेस करे वैसे परफॉर्मेंसेस हो रहे थे। जहां पे हम कैप्चर कर पाए वहां पे हम आपको शूट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारे कंट्रीज के पवेलियंस को ऐसा बनाया गया है जैसे कि आप अगर उस जगह पे चल रहे हो आपको सच में लगेगा आप चाइना में ही हैं। मतलब अभी देखिए यहाँ पे लंदन ब्रिज को भी रिक्रिएट किया गया है। आप उस रोड पे ऐसे चल रहे होंगे आपको लगेगा आप लंदन में ही हैं। मतलब द फील एकदम वाइब है उस जगह की ऐसा बनाया है। ए
इंडियन पेविलियन में ये ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक सॉन्ग सुन के ही मजा आ गया। अगर आप चाहें तो हमें अपने सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके हैंडल्स हमने ऊपर दे रखे हैं, आप वहां हमें फॉलो करेंगे तो आपको रियल टाइम अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। This mango lassi in a matka glass was refreshing and how? अमेरिका के पेविलियन में ये जीरो शुगर आइसक्रीम भी बहुत यूनिक और टेस्टी था। कोरिया तो अपने स्किन केयर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे शूटिंग तो अलाउड नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्किन केयर प्रोडक्ट जरूर खरीदा। यहाँ पे ही अम्यूजमेंट पार्क के राइड्स भी आप एंजॉय कर सकते हो। हर तरीके के राइड्स हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। सबके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। पवेलियंस घूमते घूमते हम लोगों को काफी भूख लग गई और सारी जगह जैम पैक्ड थे, तो हम लोगों को खाना ढूंढने में काफी डिफिकल्टी हुई। और रास्ते में ये लाइव म्यूजिक भी चल रहे थे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, तो हम वो भी देखने के लिए थोड़ा बहुत रुक गए। और जहाँ पे हमको सबसे अच्छा मेन्यू और सबसे अच्छा खाना दिखा, हम वहीं बैठ गए। तो यहाँ ग्लोबल विलेज आके हमें पता चला दैट यहाँ पे मतलब हम माइक और ये कैमरा और इतना तामझाम लेके जो घूम रहे थे, पीपल टोल्ड अस दैट व्लॉगिंग नहीं कर सकते या मतलब माइक हटा दो, मैडम माइक हटा देंगे तो हम बात कैसे करेंगे, आपको सुनाई कैसे देगा। तो इसलिए हमने सारे सिर्फ वीडियोस वगैरह ले लिए हैं एंड बहुत थक गए हैं। इतना बड़ा है ये जगह, इट इज़ सो बिग, मतलब एक दिन तो इज़ नॉट इनफ फॉर श्योर। यहाँ दो चार बार अगर आप आओगे तो ही प्रॉपरली सब कुछ देख पाओगे। एंड माई फेवरेट पर्सनली वॉज कुवैत। इतनी सुंदर ड्रेसेस, इतनी ज़्यादा सुंदर ड्रेसेस। कुल मिला के शायद यहाँ पे 30 पवेलियंस हैं, 30 कंट्रीज, एंड हमने मोस्ट ऑफ देम कवर कर लिया है। वी वेंट टू चाइना, जापान, थाईलैंड, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जापान, इंडिया एंड मतलब कुवैत, बहरीन, ये सब कुछ हमने देखा। लॉट ऑफ थिंग्स फॉर किड्स एंड मतलब खाना तो भाई मतलब यू विल गो मैड कि आपको क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, यू विल सिंपली गो क्रेजी। तो इट्स लाइक अ वेरी 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 फन फिल्ड टाइम यू विल हैव ओवर हियर। वी हैव चोजन टू हैव समथिंग ऑन कबाब्स बिकॉज़ टर्किश कबाब्स आर क्वाइट फेमस एंड वी वांटेड टू हैव दैट। यहाँ पे खाना वॉज द बेस्ट पार्ट, इट वॉज सो टेस्टी, मतलब मैं आपको वर्ड्स में बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना टेस्टी था। यहाँ पे आप एक पूरा दिन आके सिर्फ इसका फूड एरिया ही एक्सप्लोर कर सकते हो एंड डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट क्विजींस ट्राई कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए प्लीज।
अफ्रीका की इस एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को देख के ऐसा लगा कि हमारी भी एनर्जी कहीं से वापस आ गई है। फाइनली घर जा रहे हैं। हमारा ग्लोबल विलेज का पूरा तो हम देख नहीं पाए, बट जितना भी इस टाइम में हो पाया वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग। और अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, ऐसा आपको हमें हमारी फेस से पता चल रहा होगा। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम अभी बहुत सारा दुबई और शारजा घूमने वाले हैं, तो हम आपको जो भी जितना भी हो पाएगा सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।